माय चैनल। आज का टॉपिक है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा मैजिकल प्लांट है जो 90% लोगों के घर में पाया जाता है, और अगर नहीं भी हो तो आप इजीली घर पर इसको उगा सकते हो, इसका ग्रो कर सकते हो। आज मैं आपको एलोवेरा के कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगी, चाहे वो बेनिफिट्स आपके हेल्थ के लिए हो, या आपके फेस के लिए हो, या फिर आपके बालों के लिए हो। तो आप ऐसे एलोवेरा देख सकते हो। ऐसे एक मैंने एलोवेरा ले लिया है। आप पहले इसको एलोवेरा को कट कर लीजिए। देखिए कि मैंने एलोवेरा को कट कर लिया है। फिर इसका जो कांटे है ना, कांटेदार जगह है, इसको आप कट कर लीजिए। आप एलोवेरा को कट करने जब पहले कट करेंगे ना, तो इसके इसके अंदर से कुछ येलो टाइप का जेल निकलता है। तो आप एलोवेरा को कट करके इसको इस तरह से रख दीजिए, तो उसमें से कुछ येलो टाइप का जेल निकलेगा। वो हमारे बॉडी के लिए हो, या फिर आपकी स्किन के लिए हो, या फिर आपके बालों के लिए हो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये मैंने पहले कट करके रखा था, तो फिलहाल इसलिए इतना जो येलो टाइप का जो लिक्विड जेल है वो नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है। तो आप पहले इसको एक दो घंटा स्टैंड वाइज पोजिशन में रख दीजिए, फिर उसमें से जो येलो जेल निकलेगा उसके बाद वो एलोवेरा इस्तेमाल करने का लायक हो जाता है। अभी मैं आपको एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। द फर्स्ट वन इज माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स के लिए आप थोड़ा सा एलोवेरा को इस तरह से कट कर लीजिए। फिर आप इसको इस तरह से कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा जल जाए, इसमें ऐसा कुछ हो जाए ना, तो उसको आप एलोवेरा को इस तरह से लेकर उसको जस्ट ऐसे उस बर्न के ऊपर मसाज कीजिए। दिन में कम से कम आपको 6-7 बार इसको करना है, इस तरह से मसाज कीजिए, क्योंकि एलोवेरा में नेचुरली कूलिंग पावर होता है, तो वो माइनर बर्न्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप इस तरह से लगाइए आपके माइनर बर्न्स जहां पर भी हो, दिन में 4-5 बार या 6-7 बार, तो बहुत ही अच्छा है। द सेकेंड थिंग इज सनबर्न। आप सन बर्न कह सकते हैं या फिर सन टैन कह सकते हैं। अगर आपके स्किन पर सन टैन हो जाता है या सन बर्न हो जाता है, तो आप एलोवेरा का जेल इस तरह से लीजिए, एक कांच के बर्तन पे लीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से जेल निकल रहा है। ये बहुत इजी प्रोसेस है करने का। मैं ऐसे ही निकालती हूँ, देखिए कैसे जेल निकल रहा है एलोवेरा से। बहुत इजी प्रोसेस है। इस तरह से आप घिस लीजिए, देखिए कैसे जेल निकल रहा है। देख सकते हैं आप। तो आप जिन लोगों को सन टैन हो जाता है, तो ये एलोवेरा का जेल निकालकर उसको फ्रिज में रखे और फिर पूरे फेस पर रब करे, आधा घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दे, फिर नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। कोई भी साबुन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिए, नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। और तीसरा जो बेनिफिट्स है वो है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन तो बहुत ही अच्छा है एलोवेरा ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि एलोवेरा में वाटर सोर्स 98% होता है। एलोवेरा स्किन को डिहाइड्रेट होने से रोकता है। तो जिन लोगों का ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के लिए वो अपने स्किन पर एलोवेरा जेल दिन में 2 बार तो मसाज कर ही सकते हैं। तो दिन में 2 बार मसाज कीजिए एलोवेरा जेल ड्राई स्किन के लिए, और फिर 10-15 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दे, फिर नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। एलोवेरा जेल देखिए कितना सुंदर से निकल गया है। अपने स्किन पर अच्छे तरह से इसको मसाज कीजिए, फिर आधा घंटा 10-15 मिनट के लिए मसाज कीजिए, फिर आधा घंटा या 1 घंटा बाद वो आप नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। और फोर्थ बेनिफिट है
एलोवेरा हेयर के लिए, हेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपका स्कैल्प पे इचिंग है और डैंड्रफ है तो इसे लगाइए हफ्ते में 2-3 बार, और इसे फिर प्लेन वाटर से धो लीजिए। और फिफ्थ है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसे एलोवेरा का जेल निकाल कर उसे पी सकते हैं, पर इसमें एक बात है, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। डॉक्टर के सलाह के बगैर आप एलोवेरा का जेल पीने में या खाने में इस्तेमाल मत कीजिए। पहले एलोवेरा डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर ही आप एलोवेरा को अपने पीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा के ऊपर 5 बेनिफिट्स, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।